हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जी टेक्नो। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन स्कूटर का रिव्यू लेकर आए हैं। यह है हीरो की तरफ से आने वाली हीरो प्लेजर प्लस, प्लैटिनम एडिशन है। इसमें आपको कई सारे क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलता है और ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे काम करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी स्कूटर के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, आज के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको हीरो की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो भारत मोटर्स हीरो को कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट डिटेल्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, प्लेजर बहुत ही पॉपुलर स्कूटर रही है शुरू से। फर्स्ट टाइम प्लेजर 2005 में लॉन्च हुई थी, जब हीरो और होंडा एक साथ मिलकर काम करती थी। उस टाइम प्लेजर सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर में से एक थी, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया थी, प्राइसिंग सही थी और सीट हाइट भी इसकी काफ़ी कम थी, जिससे शॉर्ट हाइट वाले पर्सन को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। 2020 में इस स्कूटर में कई सारे बदलाव किए गए हैं, डिज़ाइन से लेकर इंजन तक। अब ये कम्प्लीटली आपको नए लुक में देखने मिलता है और प्लेजर आपको एक और प्लैटिनम एडिशन में भी मिलता है, जो सीधा सीधा TVS की जुपिटर क्लासिक को कॉम्पीट करती है। प्लैटिनम एडिशन में क्रोम का इस्तेमाल आपको काफ़ी देखने मिलता है, जैसे फ्रंट पैनल पे, फेंडर पे, हेडलाइट में और इसके बार एंड में भी आपको क्रोम दिए गए हैं। मिरर यहाँ पर पूरी क्रोम की है और ये काफ़ी बड़ी है, तो आपको पीछे का नज़ारा काफ़ी अच्छे से नज़र आता है। साथ ही इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल स्कूटर के लुक को ये काफ़ी इन्हेंस करती है। प्लेजर की 3D में बैजिंग की गई है, साइड पैनल पर भी क्रोम देखने को मिल जाता है और एग्जॉस्ट और मफलर भी यहाँ पर क्रोम की दी गई है। यहाँ तक कि इसके बैकरेस्ट में भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। तो प्लैटिनम एडिशन में क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और ये मैट ब्लैक कलर है, तो इसमें क्रोम काफ़ी अच्छे से निखर कर आता है और इसमें डुअल टोन कलर देखने को मिलता है। इनर पैनल जो है ब्राउन में है और सीट भी इसमें हाफ आपको ब्राउन की देखने को मिल जाती है, जिससे ओवरऑल स्कूटर देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है और थोड़े स्पोर्टीनेस को और भी इन्हेंस कर देती है ये अलॉय व्हील में दिए गए व्हाइट स्ट्राइप्स। हेडलाइट में यहाँ पे हेलोजन बल्ब आते हैं और टर्न इंडिकेटर में भी क्लियरलेंस बल्ब दिए गए हैं और इसका टेल लैम्प जो है वो काफ़ी स्टाइलिश लुक में देखने को मिलती है, जो इसके रियर लुक को काफ़ी बढ़िया बना देती है। प्लेजर का डिज़ाइन एक मॉडर्न रेट्रो क्लासिक वाली है, साइड से स्कूटर का लुक काफ़ी बढ़िया लगता है और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ब्लैक, स्पोर्टी रेड, मेटालिक रेड, ब्लू, व्हाइट, मैट ग्रीन और मैट ग्रे। और इस प्लैटिनम एडिशन को मिलाकर टोटल आपको 8 कलर इसमें देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं तो रियर में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है और फ्रंट में भी आपको कन्वेंशनल स्प्रिंग सस्पेंशन दी गई है। यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हीरो प्रोवाइड कर देती तो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इंजन की बात करते हैं तो इसमें 110cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व BS6 इंजन लगा है और इसमें एयर कूलिंग आती है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर यह काम करती है, जिससे एयर और फ्यूल की सप्लाई जो है इलेक्ट्रॉनिकली होती है और इससे सही माइलेज भी आपको इसमें मिलता है। ये स्कूटर पावर बनाती है 8 BHP की 7000 RPM पे और टॉर्क है 8.7 Nm की 5500 RPM पे। अब फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ आपको फ्रंट में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यूटिलिटी बॉक्स, जिसमें आपके पानी बॉटल और कुछ सामान आराम से आ जाते हैं। अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी भी यहाँ पे डिसेंट है। यहाँ पे आपको बूट लैंप भी दी गई है, जो रात के वक्त काफ़ी हेल्प करती है जब आप कुछ सामान रखते हैं और निकालते हैं। फ्लोर बोर्ड में भी स्पेस डिसेंट है और यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है। नई प्लेजर प्लस में 8 प्रकार के सेंसर लगे हैं, जो ओवरऑल स्कूटर के परफॉर्मेंस को काफ़ी बढ़िया बना देती है, जिसमें से एक है बैक एंगल सेंसर। इसमें जब गाड़ी किसी भी तरफ गिरती है तो अपने आप बंद हो जाती है और गाड़ी उठाने के बाद ये स्टार्ट भी नहीं होगी, जब तक कि आप चाबी को एक बार ऑफ करके ऑन ना कर लें। तो ये सेफ्टी के नज़रिए से काफ़ी बढ़िया फीचर है। अब वेरिएंट और प्राइस की बात करते हैं तो प्लेजर आपको 2 वेरिएंट में मिलती है, एक है VX और दूसरी है LX। VX टॉप मॉडल है, जिसमें आपको बूट लैंप, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एलॉय व्हील, डुअल टोन सीट और यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है। LX मॉडल ये चीज़ मिस करती है, वहाँ पे आपको स्टील व्हील, सिंपल सीट देखने को मिलता है। VX वेरिएंट की प्राइस जो है 59,950 रुपीज़ है और LX वेरिएंट की 57,300 रुपीज़, और प्लैटिनम एडिशन की प्राइस 2,000 रुपीज़ ज़्यादा है VX वेरिएंट से। ये प्राइस जो मैंने
मैंने बताई एक्स शोरूम दिल्ली की है। अब बाकी स्पेसिफिकेशंस की भी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों व्हील में 90/100 सेक्शन 10 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। मीटर यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है, सेंटर में स्पीडोमीटर दी गई है, राइट साइड में फ्यूल इंडिकेटर है, साइड स्टैंड है और इंजन चेक लाइट दी गई है। लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल मीटर भी मिल जाता है और दोनों व्हील में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। डिस्क ब्रेक जो है प्लेजर में नहीं आते लेकिन यहाँ पर IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है जिसमें जब भी आप रियर ब्रेक लगाएंगे तो आपके दोनों व्हील में जो है ब्रेक एक साथ अप्लाई होगी जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाती है और गाड़ी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। अब डिमेंशंस की बात करते हैं तो प्लेजर प्लस की ओवरऑल लेंथ है 1769mm, विड्थ है 704mm, हाइट है 1161mm, व्हील बेस है 1238mm की और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 155mm का मिल जाता है। और स्कूटर काफ़ी लाइट वेट है, जस्ट 104kg, जिसका एडवांटेज आपको पिकअप में मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर 4.8 लीटर की मिल जाती है जो आपको रेंज प्रोवाइड करती है 240 किलोमीटर की और माइलेज स्कूटर आपको निकाल कर देती है 50 से 55 kmpl की। अब हम बात करते हैं स्कूटर चलाने में कैसी है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्कूटर है, पावर डिलीवरी बहुत ही बढ़िया है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स सेंसर से आपको टॉर्क भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और सबसे अच्छी बात है स्कूटर की वो है इंजन रिफाइनमेंट। ये काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इंजन है, वाइब्रेशन स्कूटर में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हैंडल बार में बार एंड होने के कारण यहां पर भी आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सीट की कुशनिंग डिसेंट है और सस्पेंशन भी, ब्रेकिंग यहां पर ठीक है, अगर डिस्क ब्रेक मिल जाता तो ब्रेकिंग और भी बढ़िया हो जाती। हैंडलिंग भी स्कूटर की काफी अच्छी है, लेफ्ट हैंड में आपको हॉर्न, टर्न इंडिकेटर और हाई बीम का स्विच देखने को मिल जाता है और राइट साइड में स्टार्टर दी गई है। अब क्या हमें प्लेजर प्लस कंसीडर करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी स्कूटर है 110cc सेगमेंट में प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स, टेक्नोलॉजी और सेंसर वगैरह लगे हैं जो इसे काफ़ी सेफ स्कूटर बनाती है। आप इसका LX वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको प्राइस भी कम पड़ेगा। अगर आप इसका टॉप मॉडल VX वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका प्लेटिनम एडिशन बाय करिए। और नई प्लेजर प्लस में मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट। ये काफ़ी स्मूथ इंजन है, कहीं पर भी वाइब्रेशन आपको नहीं मिलता है और आप जैसे ही एक्सीलेटर देंगे आपको पावर तुरंत मिलता है, तुरंत ये गाड़ी पिकअप करती है। तो ये चीज इसकी काफी अच्छी लगी मुझे, रिफाइनमेंट और इसका पिकअप। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी राइड करें तो हेलमेट जरूर पहने। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।